कौम आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान मैं हूं मोहम्मद जफीर आज हम आज का जो हमारा शो है वो बहुत ही ख़ास है और उसकी वजह यह है कि आज हम ततापानी बंडहोर में मौजूद हैं ये कोटली आज़ाद कश्मीर का ये इलाका है और यहाँ आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अल नूर फाउंडेशन और अल नूर फाउंडेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी बड़ी खदमात हैं इस खे के हवाले से हालिया दिनों में जब करोना वायरस की ये बीमारी पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया तो उसके वाले से बड़ी ख़दमत हैं ईद क़रबा जो अभी गुजरी है उस हवाले से अगर हम बात करें कुरबानबानी का पैकेज रमज़ान पैकेज और समाजी दीनी लिहाज से यहाँ अनूर की जो खिदमत हैं वो काबिल तारीफ हैं और इस ख़े की अगर हम बात करें इस ख़ते में मस्ाजिद का क़्याम के वाले से और ख़ास तौर पर भंडोर में और इसके जो मजाफा के दूर दराज के इलाके हैं वहाँ के लिए जो फूड पैकेज जाता है यहाँ से और सालाना यहाँ चूंकि दरबार शरीफ भी है और उर्स मुबारक भी होता है सालाना नूर के अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स की हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि हमारे माशरे में बढ़ती हुई जो अदम बर्दाश्त है उसके लिए क्या क्या खिदमत हैं और किस तरह हम अपने माशरे की अलाह कर सकते हैं उसको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं क्योंकि मौजूदा दौर में जब हम डिजिटल की बात करते हैं जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो उसमें हम अखलाकियात का दामन हाथ से छोड़ चुके हैं आज वक्त है हम इखलाकियात को अपनाएं हम दीन की तरफ़ आएं और अच्छी सच्ची बात करने की जो सलाहियत होनी चाहिए एक इंसान में और जो ज़रूरतमंदी होनी चाहिए इस किरदार को अपनाएं और इस किरदार को बिल्ड करें इस पे बात करेंगे और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब चेयरमैन नूर फाउंडेशन जनाब पी सैयद इकराम हुसैन शाह बुहारी साहब अलगम वालकम् वरह वक् मीर सा बहुत शुक्रिया आपका अपने खसूसी तौर पर इनसाइड पाकिस्तान और के ट्वेंटी वन न्यूज़ की टीम को वक्त दिया आज का इंटरव्यू हम ये चाह रहे हैं कि इस खत्े के वाले से इसका जो पस मंज़र है और ख़ास तौर पर बुज़ुर्गान दीन की जब हम बात करते हैं आपके बुज़ुर्गों की बात करते हैं तो उनकी इस खत्ते में बड़ी खिदमत हैं दीनी लिहाज से भी दुनियावी लिहाज से भी इखलाक लिहाज से भी और रूहानियत के हवाले से भी एक तो आप अपना पस मंर बताएँ और उसके बाद फिर हम अल नूर फाउंडेशन की तरफ आएँगे बहुत शुक्रिया ज़ुफिर साहब अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाए तो हमारे वालद ग्रामी पीर सैद अक्रम हुसैन शाह एक साहब कर बुज़ुर्ग थे तो मेरे दादाजी सैयद नूर हुसैन शाह रहमत ला हमारा ख़ानदान तो हम हुसैनी सैयद है करबला के बाद हम बखारा शरीफ़ आए उसके बाद हम उच्च शरीफ़ सैद मखदूम जान जहानिया बास की औलाद से हैं सिंध से सिंध से फिर मखाड शरीफ आए और मखाड शरीफ से मेरे दादा हजूर तो हजू ये बिल्कुल कश्मीर के बार्डर के पास थाता पानी बंडौर शरीफ में तशरीफ़ लाए आप जैद आलम दीन थे आपने पैंतीस किताबें फ़ारसी में उस दौर में नबी पाक की सीरत पर लिखी आपने यहाँ दीन फैलाया लोगों को यहाँ उस वक्त जनाजा पढ़ाने के लिए हज़ारों किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर दूर से बंदा आया करता था जनाजा पढ़ाने के लिए तो वो जब आए तो उन्होंने यहाँ अपने शागिद तैयार किए उन्होंने फिर अलहमद पीर फिर सदक शाह साहब आफतराज मोहम्मद साहब और बेशुमार इलाके में तो फिर यहाँ इस्लाम के लोग इस्लाम की दरहरागर भी हुए इस्लाम फैला भी और यहाँ अल्ला के फजल से इन बुज़ुर्गान दीन की वजह से यहाँ लोगों के अंदर दीन की कुरान की नमाज़ की सच्चाई की ईमानदारी की यहाँ अब तक दिया करते थे उससे इस्लाम फैला और हम ये सारा सिलसिला बुजुर्ग दरिया के किनारे पर ये तता पानी में बाजार पाक है इससे वो सिलसिला चला आता है अलूर ये नूर हुसैन शाह साहब की वजह से ही अल नूर फाउंडेशन भी है बिल्कुल मैं अपने पस मंजर भी बताया अल नूर नाम रखने की वजह भी ये है चूँकि ये एक खिदमत थी इलाके की अब अनूर फाउंडेशन का क्याम अमल में आ चुका है नूर फाउंडेशन एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है मेडिकल के वाले से यहाँ काम हो रहा है और तौर पर हमारे नाजरन को बताइएगा चूँकि आपूर फाउंडेशन के जो मकासद हैं वो क्या हैं आप क्या क्या काम करना चाह रहे हैं बहुत सारे काम हैं जो वो हमने खुद ऑब्ज़र्व भी किए देखे भी आप माशाला से कर रहे हैं लेकिन इसके मकासद बताएँ तो फिर हम इनके असल जो काम है उनकी तरफ भी आएंगे नूर फाउंडेशन का सबसे पहले हमने तथा पानी इसके जो कश्मीर के बिल्कुल बार्डर का बिल्कुल करीब एरिया है एल ओ सी है यहाँ ये मुश्किल थी कि एम्बुलेंस का कोई यहाँ सिलसिला नहीं था तो नूर फाउंडेशन ने चार एम्बुलेंस ली फिर आस्था आस्ता खल की खिदमत का काम हुआ फिर हमने ये सोचा कि यहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए उसके लिए भी काम कर रहे हैं हमने दरबार से यहाँ आई कैंप भी लगाए मेडिकल कैंप भी लगाए तो ये हम सालाना इनशाला तला इस तरह की ख़िदमत हमारी ये रहेंगी आई कैंप लगाना मेडिकल कैंप लगाना खवान के लिए लेडी डॉक्टर का इंतजाम होना फ्री इद्वियात और फ्री इलाज इनशाल्ल्ला तेलूरफाउंडेशन के मकासद है साथ जो यहाँ ये माशरे की जो बेरा रवि है इसकी वजह से बहुत लोग होमलेस भी हो जाते हैं तो उनके लिए होमलेस सेंटर हम इनशाला बनाएंगे बेरोज जो बेगार लोगों के लिए खुवान के लिए लागौ और मर्दों के लिए इन ताला उनके खाने का भी इंतजाम होगा रिहायश का भी इंतजाम होगा नमाज का भी इंतजाम होगा तो इसके लिए भी हमने जगह डोनेट कर दिए बड़े खूबसूरत इंसान है मलक मारूफ एडवोकेट साहब मकराली में तो उन्होंने हमें दो किनार के करीब जगह दिया तो इनशाला वहाँ भी हम जल्दी ही होमलेशस जो ओल्ड होम है वो बनाएंगे इनशाला तो साथ ही हम मसाजिद का भी हमारे ये तीन अल नूर के हवाले से इनशाला काम हो रहा है तो एक मसाजिद खातून जन्नत में फातमत ज़रा सलाम लाला के दर्श के हवाले से काम हो रहा है इनशाला ताला ये काम हमारे प्रोजेक्ट जारी हैं बिल्कुल आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जारी है हमने आपके प्रोजेक्ट्स देखे भी हैं अभी हम आप दिखाएंगे भी आप... तालीम बहुत ज़रूरी है किसी भी माशरे के लिए और ये वो काम है जो आपने जिसका आ, आ, कि, का एक जिम्मे लिया और उस पर अब प्रैक्टिकली चूँकि हमारी और तौर तो पर वो कहते हैं कि एक माँ अगर पढ़ी लिखी होगी तो एक माशरा एक ख़ानदान पढ़ा लिखा होता है और वो उसकी तरबियत अच्छी तरह कर सकता है खातिन केवाले से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पर्दे का इंतज़ाम है प्रॉपर सेटअप है इस हवाले से हमारे नाज्रीन को बताइएगा ताकि वो लोग जो ख़वान को की तालीम के ख़िलाफ़ हैं जो ख़ुत को माशरे में आगे बढ़ने से रोकते हैं वो आपकी इन बातों से को सुनकर देख कर वो फिर अपनी खातिन को भी इस तरह की दीनी तालीम और फिर दुनियावी तालीम की तरफ रागब कर सकें जी खुत की तालीम तो बहुत जरूरी है मर्दों के साथ साथ खुवान की तलीमत अहम और ज़रूरी है एक खातून की अगर अच्छी तरबियत होगी तो उस पूरे ख़ानदान की तरबियत होगी वह खातान बच्चों की अच्छी परवरिश करेगी अपने पूरे खानदान का वो हम इन शाह तला कुरान की तालीम के साथ साथ उनकी इज़्ज़त उनके किरदार पर भरपूर तो जो हम दे रहे हैं साथ ही कंप्यूटर की तालीम भी दे रहे हैं सिलाई भी सिखा रहे हैं ताकि कोई ख़ातून घर में बेरोज़गार ना बैठे अगर कुछ इस, किसी अदारे में जाब नहीं है तो कम अज कम सिलाई का काम का 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 करके वो अपनी बाइजत तरीके से रोज़ी कमा सकें तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं अभी हिलसिले को मज़ीद अपडेट कर रहे हैं हम इस काम के इन शाह त अल्लाह पाक के फजल करम से हम ऑनलाइन एजुकेशन का इंतज़ाम कर रहे हैं कैमरेज यूनिवर्सिटी से हाईवर्ड यूनिवर्सिटी से और जामा अजहर यूनिवर्सिटी से इस्लामिक एजुकेशन भी होगी के साथ साथ हम टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं तो साथ ही हमारे जो यहाँ बच्चों के सिलसिले में भी हम हिफज़ के साथ साथ उनको भी हम स्किल सिखाएंगे एलेक्ट्रेशन का काम सिखाने का हम इंतजाम से कुछ सोच रहे हैं और साथ ही प्लम्बिंग का काम ताकि बच कुछ ना कुछ सीखें ये लोग ताकि ये जो बेरोज़गार है ये बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ी बीमारी है अल्लाह पाक हमको महफूज फरमाए इस बीमारी से और बहुत अच्छी बात है जो पीर साहब कर रहे हैं वो है कि टेक्निकली चूँकि अगर आपके पास एजुकेशन है और आपके पास आप स्किल्ड नहीं है तो ये भी बड़ा इशू होता है और माशरे में बेरोज़गारी पहले ही बहुत ज़्यादा है और अगर आपके पास हुनर है और आप छोटे मोटे काम अगर आप कर सकते हैं तो आप अपनी एजुकेशन के साथ वो काम भी करते हैं तो फिर आपको बेरोज़गारी का जो मसला होता है ये भी हल हो जाता है और ये बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं अगर हम इस माशरे की बात करें इस इलाके की बात करें इस इलाके की जो मजाफ़त हैं उसमें बहुत सारी जो काम हैं वो आपके रेफरेंस से हुए हैं आप डिवेलपमेंट्स के काम हों सड़कें हों पुल हों ये वो काम है जो पोलिटिकल जो हमारी इंतज़ामिया होती है उसके काम होते हैं कुमतों के काम होते हैं और आपका चूँकि इलाके में असरसूख है आप चूँकि सब के लिए पीर हैं सब आपको आप 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 प्यार करते हैं आपसे मोहब्बत करते हैं और आपने चूँकि इस इलाके एक में बड़ी खदमात हैं आपकी तो डेवलपमेंट के वाले से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं उस पर आप फोकस कर रहे हैं कि क्योंकि आपके रेफरेंस की वजह से बहुत सारे काम जो हुए हैं वो आप ही की वजह से हुए हैं और मजीद अभी यहाँ काम होने की ज़रूरत है तो उस पर आपका है कि पोलिटिकली भी थोड़ी सी डिवेलपमेंट हो इनशा हम कोशिश कर रहे हैं जो सियासी यहाँ के लीडर हैं उनसे बात भी कर रहे हैं क्योंकि ये एल एस यू में फ़ंड तो बहुत मिलता है लेकिन हम आगे फ़ंड जो है ये सड़कें बारी बिल्कुल टूटी फूटी हैं पानी का इंतज़ाम लोगों को पीने का साफ़ पानी का इंतजाम नहीं है उसके अलावा एजुकेशन का भी इंतज़ाम नहीं है बहुत सारे मसाइल हैं हमारे इलाके में डिस्पेंसरी नहीं है लोगों के लिए बहुत मसायल हैं तो इसके लिए हम सियासी लोगों से मिलकर भी अपनी तरफ से भी कोशिश करके जो पुलों की हालत है वो भी बिल्कुल खस्ता आल है एक दफ़ा पुल बना दिया और फिर बीस बीस साल तीस तीस साल ये देखते ही नहीं है कि उसकी रिपेयरिंग की भी ज़रूरत होती है सारा सा तो बहुत मुश्किल हैं हमारे जब कश्मीर के बाडर में हम लोग रहते हैं बहुत मुश्किल हैं तो हम पूरे इन शे का लिए इन काम कर रहे हैं कि जो अच्छे काम हैं वो करना चाहिए और जो अल्लाह पाक ने जिन लोगों को मंतखब किया खिदमत खल के लिए उन उनको अपना किरदार अच्छे तरीके से ऐसन तरीके से अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह की बारगाह में वो सुरखरू हो सकें और अच्छा काम करने से उनको दुनिया और आख़रत में अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त रहा अगर अल्लाह पाक ने उनको मुंतखब कर दिया खिदमत खाल के लिए तो उनको अच्छा काम करना चाहिए बिल्कुल अच्छा काम करना चाहिए और अच्छे काम की आप निशानदेही करते भी हैं और आपका आपकी पहचान भी है आपकी रेफर, रेफरेंस से काम हुए भी हैं आ, इल, इलाके की अगर हम बात करें बेरारवी ज़्यादा है आ, अदम बर्दाश्त का एक जो होता था डिबेट कल्चर ख़त्म हो गया इस कल्चर को हम कैसे फ़रोग दे सकते हैं लोग एक दूसरे को सुनना ही पसंद नहीं करते आ, हमने देखा कि ये वो जगह है जहाँ लोग जुड़े हैं आपस में प्यार मोहब्बत से इतफ़ाक़ से और यहाँ से हमेशा यही पैगाम गया आप कोशिश भी रहे हैं पूरे माशरे की असलाह के लिए मजीद जो नौजवान आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं किस तरह वो उनके अंदर बर्दाश्त का मादा होना चाहिए किस तरह वो तहमुल से दूसरों की बात सुने अच्छी बात को आगे लेके जाए नेगेटिव जो बात होती है उसको वहीं ख़त्म किया जाए ताकि माशरा फले फूलें आगे बढ़े हम जो ये बहुत सारे मसाइल हैं इस इलाके में बेशुमार ये दरबार जो हमारे ये, ये जो मरकज़ होते हैं ये अखलाकियात के मर मरकज़ हैं महबत के मर मरकज़ हैं प्यार प्यार और महबत अखवत और भाईचारे के मरकज़ हैं तो बदकिस्मती से हम जो लोग हैं ये कोई बहुत ज़्यादा हम अपने ट्रैक से उतर के हम दूसरी तरफ चले गए हैं हमारे अकाल असलात असलम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज़ हैं तो ये हम इस तरफ चल नौजवान हमारे पढ़े लिखे भी किसी की जबान से कोई दूसरा महफूज नहीं है किसी के हाथ से महफूज नहीं है हमारे घरों में भी जो मसायल होते हैं सबसे पहले ज़बान चलती है तो घर में हाथ भी चलता है फिर लड़ाई झगड़े की सूरत बन जाती है जो सियासी लोग हैं वो एक दूसरे के उनके उनके लिए भी मसाइल हैं कि वो एक दूसरे के जबान से भी महफूज कोई नहीं है और उनके हाथ से भी कोई महफूज नहीं है और ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो ये नौजवानों जो से ये गुजारिश भी है कि ये आप अपने अखलाक को बेहदर करें अपने हाथ से किसी को गंदी जबान इस्तेमाल ना करें गाल ना दें बल्कि अपने अपना साबित करें अपने हसन खुल्क साबित करें तो ये इलाके में बड़ा काम करने की ज़रूरत है इस सिलसिले में हम स्पेशली अनूर फोर्स नौजवानों की एक इन श्ल्ला तल उनको हम एक बना रहे हैं जो घर घर जाके मल्हे मल्ले जा के हम एक एक माँ एक एक इलाके में काम करेंगे इन तूी अल्लाह के दरबार में अमीर है किलमां हज़रा भी साथ मिल के सियासी लोग भी मिले हमारे साथ और हर बेतर बेहतरी वाले लोग हमारे साथ अच्छे लोग अच्छे किरदार वाले लोग अच्छे इखलाक वाले लोग हमारे साथ जुड़ जाएँ तो हम इस इखलाक के दायरे में जो आदमी बर्दाश्त है इस पर इन तैयार काम करेंगे और पूरी उम्मीद है कि अच्छा इन शाकम पर कन फरमाएगा इन शाह तब यहाँ की मरकजियत है इस जगह को मरकजी हैसियत हासिल है लोग यहाँ से दीन सीखते हैं लोग यहाँ से अखलाकियात सीखते हैं लोग रूहानी तौर पर फैजियाब होते हैं और सालाना चूँकि उर्स मुबारक भी होता है और इसके अलावा आपके नूर के अपने प्रोग्राम्स भी होते हैं सेमिनार्स भी होते हैं लोगों की दीनी और दुनियावी लिहाज से तरबियत भी होती है इस वाले से आपका कोई आगे का लायामल है कि कोई ऐसा थिंक टेंक होना चाहिए जो आपकी अदम मौजूदगी में यहाँ के मामलों को भी देखे लोगों को भी देखे और वो थिंक टेंक जो है वो जो अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों पर और बुज़ुर्गों पर मुश्तमिल हो जो आपके इस कार और आपके इस विजन को आगे लेके चले इन हम एक तो इस सिलसले सारे को अपडेट कर रहे हैं कि हम एक अच्छे आलम दीन यहाँ रखेंगे अच्छे अखलाक वाले अच्छे बेहतरीन इंसान इन शाला अच्छे कारी कुरान यहाँ पढ़ें अच्छे हिफज के साथ साथ जो इलाके में जो मामलात हैं जो इलाके में खास करज में बर्दाश्त है खुवान के मसले हैं नौजवानों के मसले हैं इस सिलसिले में इन शी हम जो अनूर फोर्स बनाएंगे उनके ऊपर एक हेड होगा और ये वो बड़े दिनी लोग भी होंगे अखलाकी लोग भी होंगे अला मैार इनका कायम करेंगे इनके ऊपर भरपूर तरीके से इनकी हम नशोनुमाज जिस तरह परवरिश करते हैं कि इनको हम पहले इनकी तरबियत करें फिर आगे इसको आगे ये फैलाएँ क्योंकि दीन भी ये किसी खूबसूरती ये है कि आप दीन सीखें भी और दीन को आगे फैलाएँ भी तो इन श्रा तौर हम दीन पहले सीखे खुद सीखेंगे जो हमारी टीम होगी उनको ही सीखाएंगे और फिर इसको आगे फैलाएँगे और इन श्ला तला इसका अल्लाह के दरबार से पूरी उम्मीद हमेदा अच्छा रिजल्ट निकलेगा इन बिल्कुल इन तला निकलेगा और अनूर फाउंडेशन की अगर हम बात करें करोना पैकेजेज़ हमने देखे मैं खुद यहाँ तो नहीं था लेकिन हमने डिजिटल पर देखे फेसबुक पे जगह जगह और लोगों की मदद हुई ईद क़ुरबान हमने हालिया देखा उसके वाले से आपने जो जानवर थे उनकी कुर्बानी का वो लोग जो मुस्तक हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकते उनके लिए आपने उनका अहतमाम किया बहुत अच्छे बहुत सारे ऐसे ही काम हैं जो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते लेकिन वो काम जो आप बताना चाहते हैं हमारे नाजर को कि सिर्फ़ ये तत्तापानी तक महदूद नहीं है या डिस्ट्रिक कोटली तक महदूद नहीं है इवन कश्मीर तक महदूद नहीं है ये पूरे पाकिस्तान पाकिस्तान के चारों सूबों और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आपके लिंक्स हैं जहाँ जहाँ से आपको कॉल आती है कि हमें फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है तो नूर फाउंडेशन जो है वो बिला किसी तफरी के उनकी मदद करती है तो वो काम हाईलाइट करें ताकि हमारे नाजरन जान सकें और हमारे नाजरन से भी गुजारिश है जो लोग हमें देख रहे हैं वो अनूर फाउंडेशन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है जो ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे ताकि आप मैक्ममालनूर फाउंडेशन को सपोर्ट भी कर सकें हमने इस बार इन शौ से ज़्यादा थर में सिंध में हैंड पम्प लगवाए बिल्कुल गरीब गरीब एरिया में उनको पानी की सहूलत नहीं थी तो उन्होंने रबता किया तो हमने उनको पानी के पंप लगवा कर दिए मजीद तीस पम्प के ऊपर काम हो रहा है वो जारी है बहुत सारे लोग जो हमसे रबता करें हमारी बच्चियाँ हैं हम यतीम बच्चियाँ हैं तो शादी के लिए जेज़ का इंतज़ाम नहीं हो रहा है उनके लिए भी हेल्प करते हैं बतौर ख़ास उनको जेज़ लेकर देते हैं तो या उनको कैश की सूरत में देते हैं तो हम ये भी काम कर रहे हैं इसके साथ साथ जो इलाके में बहुत सारे बेशुमार ऐसे काम हैं बतौर ख़ास जो नौजवान के लिए नौजवानों के लिए बच्चियों के लिए जो शादियों के मसले मिसाइल हैं उस पर भी काम कर रहे हैं और नूर फाउंडेशन जहाँ तक हो सकता है हम इन शाह एक तो कोरोना वायरस पैकेज जो बहुत लोगों के रोज़गार छीन गए थे तो वो लोग ग़रीब हो गए थे अभी भी लोगों की हालत ख़राब है तो हमने वो उनको कोरोना तीन सौ घरों को हमने कोरोना पैकेज दिया फिर उसके बाद रमज़ान पैकेज दिया फिर ईद पैकेज दिया हम जो हमारे साथ खुवान के अक्सर कपड़ों का इंतज़ाम होता है वो भी हम तकसीम करते रहते हैं गरीब गुरबा ब्यवा के लिए हमने फिर बेशुमार लोग हैं जिनको मकान बिल्कुल गिर गए हैं उनके लिए भी जो है सिलाई सिलाई मशीन है हम हर साल जो यहाँ सिलाई सेंटर है उसमें चालीस के करीब बच्चियाँ सिलाई सीखती हैं तो फिर उनको हम सिलाई मशीन हर साल डोनेट करते हैं कि घर में बैठ के इज्जत के साथ सिलाई का काम का का करें और इज़्ज़ के साथ अपनी रोज़ी का इंतज़ाम करें इस सिलसिले में हम बेशुमार ये प्रोजेक्ट हम शुरू करने वाले भी हैं और किए हुए भी हैं तो इन शाला ये अच्छे काम हैं इनके साथ हम यही आपसे गुजारिश करेंगे कि अनूर फाउंडेशन जो अच्छा काम आप देखें उसके साथ जुड़ें उसके साथ जो मुखलसन अच्छे लोग हैं अखलास वाले लोग हैं वो इसके साथ हमारे साथ वॉल्टियरली शामिल हों ताकि उनको भी पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं तो इन शाह तला हम हर अच्छे लोगों को दावत भी देते हैं कि अल नूर के साथ शामिल हो जाए और अनूर के साथ तामन करें तो इनशाला पिछले दौरान साहब ये कराची के दो साल हो गए कराची के एक लेडीज डॉक्टर और डॉक्टर म्यू अस्पताल के कराची के आगा खान हॉस्पिटल के सारी वो यहाँ आए और उन्होंने बारह लाख की दवाइयाँ लाएं कराची से लाई हैं एबर्ट की बड़ी अच्छी दवाइयाँ तो यहाँ उन्होंने कैंप लगाए रखा खातिन को लेडी डॉक्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उनको मैनेज किया और जो डॉक्टर मेल थे उन्होंने दो तीन दिन का कैंप हाँ यहाँ कराची से वो लोग आए आ खान हॉस्पिटल गए डॉक्टर तो माशा ये इस तरह के काम हम, हम यहाँ इन शड़ी एन जी ओज़ की भी दावत देंगे जिस तरह रेड क्रॉस हो गया और जो और बड़ी बड़ी दुनिया की तनजीमें हैं इन लोगों के जो कश्मीर है बाकी इलाका पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जरूरियात हैं उनको इन शाह इलाज की बेहतर सहूलत मैसर आ सके इन शुरू बहुत अच्छी बात की आपने और अब चूँकि प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है हम कोशिश करेंगे कि वो एक्टिविटीज़ दिखाएँ जो अल नूर फाउंडेशन कर रही है तो पीर साहब ये आपने जो चीज़ें गिनवाई बहुत अच्छी चीज़ें आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे फिर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम विज़िट करेंगे आपका जो बाकी एरिया है उसको हम देखेंगे कि वहाँ काम कैसे हो रहा है सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं यहाँ लोगों को खाने पीने की सहूलियात मिलती हैं वो कैस किस तरह आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो विज़िट भी हम करेंगे आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे हमारे नाजरन को बस हम यही पैगाम देते हैं कि इंसानियत की खिदमत करें इंसान से बढ़ कोई चीज़ नहीं हमारे नबी आका मौसने इंसानियत है आपने इंसानियत का दर्स दिया आपने ये नहीं देखा ये काफ़िर है ये हिंदू है ये ईसाई है ये यहूदी है आपने इंसानियत का इतना खूबसूरत मैसेज दिया कि पूरी दुनिया ने वो इस्लाम फैला तो हम गुजारिश करते हैं कि इंसानियत के लिए काम करें अखलाका अखलाकियात के ऊपर काम करें एक अच्छे इंसान ख़ुद भी बने और अच्छे इंसान लोगों की तरबियत भी करें कि वह खूबसूरत इंसान बने माशरे में बस यही पैगाम है कि अला पाक हम साहब के अखलाक को बहुत बेहतर फरमाए हमारे इंसानियत के लिए हमें अला पाकम साहब को चुन ले अच्छे काम के लिए अल्लाह पाक को सब को चुन ले तो अल्लाह पाक जब चुन लेगा तो दुनिया और आखरत में इनशाला आपकी सुरख रू है और कामयाबी इसी में है कि अल्लाह पाक हम सबको अला वाला बना दे मैं आपसे गजारिश करता हूँ कि आजकल का जो दौर है ये बड़े झूठे लोगों का भी दौर है फ्राडियर लोग भी आगे हैं जादूगर लोग माशरे में आ गए हैं जिसकी वजह से बहुत बहुत सारी खराबियां हैं तो एक गजारिश है कि जादूगर लोगों से बचें अपनी खुवातिन को बचाएँ ऐसे लोगों नापाक लोगों के पास जाने से बचाएं अपने अंदर पाकिजगी लाएं और ये जो माशरे में नासूर हैं इस तरह नापाक लोग इनसे बचें जादूगरों से जूठे लोगों से फ्राडियों से बचें उन्हें लबादा उड़ाना अच्छे लोगों का बाइज़त लोगों का और बड़े अपने आप को बस अफलातून हैं ऐसे नापाक लोगों से भी बचें दूसरा अपने अंदर अखलास पैदा करें सिंचाई पैदा करें अल्लाह के साथ तलक मजबूत करें कुरान कसरत से उसकी तलावत करें दूर पाक की कसरत से तलावत करें नमाज़ पंजगानों की पाबंदी करें तो आख़रत के लिए तैयारी करें बस यही आपके लिए ये मैसेज है कि अल्लाह पाक हम सब को ज़ाहिर और बातन हमारा पाकिज़ा फरमाए हमारे गाफिल दिनों का अपनी याद अता फ़रमाए और यार बिलान जो नापाक लोग हैं इनसे बचाए और आख़रत की शर्मिंदगी से अल्लाह पाक हम सब को महफूज़ फरमाए बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने कि किलाकियात इंसानियत का दर्ज देना चाहिए अखलाकियात की बात करनी चाहिए और ये जो जगह है यहाँ से हमेशा इंसानियत की बात हुई अखलाकियात की बात हुई दीन की बात हुई और रूहानियत की बात हुई रूहानियत की वजह से इस पूरे ख़त्े की जो एक ख़त्े को पहचान मिली इस खत्े को जो एक नाम मिला उसकी वजह ही ये शख्सियत है और फिर सैद इकर हुसैन शाह साहब की जो खिदमत हैं वो पूरी दुनिया में इस खत्ते का नाम रोशन हुआ वो इनकी वजह से हुआ और अल नूर फाउंडेशन की इन्होंने बुनियाद रखी है अल नूर फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और इस कॉज को खास तौर तो पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया यहाँ का जो मकामी मीडिया तमाम लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए और के ट्वेंटी न्यूज़ का यह खासा रहा कि जो भी नॉबल काज़ होता है उसको बहुत सपोर्ट करता है और उसकी बात करता है तो इन श्ला हमारे प्रोग्राम्स का और ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको अलूर फाउंडेशन की जो इमारत है वो दिखाएंगे यहाँ किस तरह बच्चे बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं किस तरह टेक्निकली उनको आ, स्किल के लिए डिवेल्प किया जा रहा है ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएँगे लेकिन उससे पहले एक कमर्शल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा